वेलकम टू जायरा किचन। आज हम राजस्थान का प्रसिद्ध कैरी गुंदे का इंस्टेंट अचार या कैरी गुंदे की सब्जी जो कि दाना मेथी के साथ बनती है बनाएंगे। उसके लिए मैंने अपने ही गार्डन में लगे हुए गुंदों को तोड़ा है और उनको धोकर सुखा लिया था। आप भी जब बाजार से भी गुंदे खरीदें तो इस तरीके से उनकी कैप हटाए बिना ही उन्हें अच्छी तरीके से धोकर सुखा लें और सूखने के बाद उनकी कैप हटाएं। अगर आप धोने से पहले ही इनकी कैप हटा लेंगे तो इसके अंदर का एक चिपचिपा पदार्थ बाहर निकल जाएगा और पानी अंदर चला जाएगा और आप इनसे जो भी सब्जी या अचार बनाएंगे वो ख़राब हो सकता है। अब हम इन गूंदों को उबालेंगे। एक कढ़ाई में पानी गर्म करेंगे और इन गूंदों को डालकर हम उबालेंगे। गूंदों को हमें कम से कम 5 से 10 मिनट तक उबालना है, जब तक इनका कलर चेंज नहीं हो जाता और ये हाथ लगाने पर एकदम सॉफ्ट नहीं हो जाते, हमें इन्हें उबालना है। जब इनका कलर इस तरीके से चेंज हो जाएगा और ये सॉफ्ट हो जाएंगे तो आप इन्हें पानी में से निकाल लीजिए और ठंडा होने के लिए रख दीजिए। ठंडा होने के बाद एक एक करके हम इनकी गुठली निकाल लेंगे। अब आप गूंदों को साइड में रख दीजिए और मैंने यहाँ पर एक कैरी ली है, उसे भी धोकर सुखा लिया था और उसके ऊपर का पार्ट हटाकर अब मैं इसे बारीक बारीक कद्दूकस करूँगी। वैसे आप खटाई के लिए अमचूर का उपयोग भी कर सकते हैं, लेकिन गूंदों के साथ कैरी की खटाई बहुत ही अच्छी लगती है, तो आप इस तरीके से कैरी को कद्दूकस करके तैयार कर लीजिए। कैरी और गूंदे तैयार है। अब हम दाना मेथी को उबालेंगे। हम एक कढ़ाई में पानी गर्म करेंगे और उबलते हुए पानी में हम 50 ग्राम दाना मेथी डालेंगे। दाना मेथी डालते ही हमें गैस की फ्लेम बंद कर देनी है। हमें दाना मेथी को न तो उबालना है न ही इसे ढकना है। दाना मेथी को उबालने से उसकी स्किन फट सकती है और वो कड़वी हो सकती है। अब आप दाना मेथी का सारा पानी निकाल लीजिए और इसे 2 से 3 बार ठंडे पानी से धो लीजिए, जब तक कि इसके नीचे साफ पानी नहीं आ जाए। अब हम कद्दूकस की हुई कैरी और दाना मेथी को मिक्स करेंगे और उसमें कुछ मसाले डालेंगे। अब हम इसमें स्वाद अनुसार नमक, 2 टीस्पून लाल मिर्च, 1 टीस्पून हल्दी डालेंगे। हम इस सब्जी में धनिया नहीं डालेंगे, धनिया डालने से ये सब्जी काली हो जाएगी। और खटाई के लिए कैरी है तो हमें अमचूर डालने की भी ज़रूरत नहीं है। अब हम एक कढ़ाई में 50 ml तेल डालेंगे और तेल जब गर्म हो जाएगा तो हम इसमें 1 टीस्पून जीरा और 1 टीस्पून हींग डालेंगे। हींग और जीरा जब अच्छे से तड़क जाएंगे तो हम इसमें मिक्स करी हुई कैरी और दाना मेथी डालकर 1 से 2 मिनट तक पकाएंगे। हमारी दाना मेथी ज़्यादा पकी हुई नहीं है, उबली हुई नहीं है, तो आप इसे अच्छे से 2 से 3 मिनट तक पका सकते हैं, ये कड़वी नहीं होगी। जब दाना मेथी और कैरी पक जाएंगे तो हम इसमें उबले हुए गूंदे डालकर अच्छे से मिक्स कर लेंगे और ढककर इसे पका लेंगे। अगर आपने दाना मेथी बहुत ज़्यादा उबाल ली है या बहुत ज़्यादा पक चुकी है, उसकी स्किन फट चुकी है, तो आप इस सब्जी में सबसे लास्ट में दाना मेथी को डालें और डालते ही गैस की फ्लेम बंद कर लें, क्योंकि ज़्यादा पकाने से दाना मेथी कड़वी हो सकती है। मैंने दाना मेथी को ज़्यादा पकाया नहीं है, इसीलिए इसको 2 से 3 मिनट तक मैं इसे आराम से पका सकती हूँ। लास्ट में मैं इसमें 2 टीस्पून कलौंजी डालूंगी, उसे भी आप डालकर अच्छे से मिक्स कर लीजिए। हमारी कैरी गूंदे की सब्जी बनके तैयार है। आप इसे किसी भी सब्जी के साथ सर्व कीजिए। मैंने इसे घिया के कोफ्तों के साथ और गरम गरम पराठे के साथ सर्व किया है। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।